हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, हाय माय नेम इज़ सृष्टि, वेलकम बैक। और ये जो व्लॉग है ये कंटिन्यूशन है पुराने व्लॉग का, इससे पहले वाले व्लॉग का। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट व्लॉग, आई विल लिंक इट अबव समवेयर सो दैट कि आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट। अदर देन दिस, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, अभी हम लोग जा रहे हैं रात में खाने के लिए बाहर। कल मतलब शाम बहुत अच्छी गई, दोनों जगह हम लोग जहाँ घूमने गए थे बहुत मज़ा आया। अब हम खाने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह पे, मम्मी ऑलरेडी विज़िट कर चुकी है, पापा नहीं किए हैं, तो पापा को हम लेके जा रहे हैं। एंड वहाँ जाने से पहले आई वॉन्ट टू शो यू गाइज समथिंग। ये जो फुटेज है कि आई थिंक कल या एक दो दिन पहले की है, जो मैं इससे पहले डाल नहीं पाई थी ब्लॉग में, सो मैंने उसको यहाँ पर ऐड किया है। सो प्लीज़ गो वॉच इट फर्स्ट, तब तक हम लोग भी पहुँच जाते हैं हमको जहाँ पहुँचना है, एंड देन वी विल मीट अगेन। रैबिट क्या होता है मम्मी? खरगोश। खरगोश? अरे तेरा जन्मदिन ठीक है यार? मम्मी का बर्थडे कब आता है? दीपू कितने साल की है? दीपू है 24। कैलकुलेट किए ना? कैलकुलेट किए ना? पापा दीपू कौन से ईयर में पैदा हुई थी? 1986। मैंने वीडियो देख रही है ना? पापा आपकी शादी कौन सी है? अच्छा ठीक है। बड़े पापा लोग की शादी किस कौन से साल में हुई है? कितने साल की हूँ? 28। और मैं कौन से साल में पैदा हुई थी? जनवरी, उसके आगे अटके हुए हैं अभी भी। क्या क्या? 92। पक्का? मम्मी कौन से साल में शादी हुई आपकी? 93। पापा आप घर में रहते थे ना मम्मी के साथ? और आपको जीनी ज्यादा पसंद है कि हम लोग? बताई तो दोनों। दोनों नहीं एक? नहीं एक नहीं को वो कर सकते ना। क्यों? अब जब घर की सदस्य है तो छोड़ थोड़ी सकते। सही सही उत्तर। हाँ सही उत्तर, एक नंबर। सो गाइज, वी हैव ऑलमोस्ट रीच आवर लोकेशन। ये रहा फीनिक्स मॉल, और अब हम जाएंगे, यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। ये जो मॉल है ये भी बहुत बड़ा मॉल है, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल इन चेन्नई। बट हमें ये मॉल के बारे में पहले नहीं पता था, सो इसलिए हम लोग इसको पहले विज़िट नहीं कर पाए। और इस बार की जो हमारी विज़िट थी वो स्पेशली यहाँ पे एक प्लेस जाने के लिए थी। सो हम आए बहुत लेट थे, सो इसलिए हमने ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं। बट जितना हमने देखा उस हिसाब से मॉल बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा मॉल था। सो मे बी नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विजिट वी विल डेफिनेटली कम हियर। सो गाइज, हम अपनी लोकेशन पहुंच गए हैं। हम आए हैं खानदानी राजधानी में। दिस इज़ अ प्लेस जहाँ आपको गुजराती और राजस्थानी फूड मिलता है। बेसिकली थाली सिस्टम है यहाँ पे। आप आइए, आपका बहुत अच्छे से बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। देखिए जैसे अभी यहाँ पे हो रहा है हमारा। और ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे आपको नॉन वेज की कोई वैरायटी नहीं मिलेगी। अगर आप वेज खाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी जगह है, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी। मम्मी जब आई थी हैदराबाद, मैं उनको एक बार ऑलरेडी ले जा चुकी हूँ, बट पापा फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। सो लेट्स सी, चलिए।
कैसा लगा मम्मी खाना? अच्छा पापा बढ़िया चले चलिए नींद आने लग गई क्या? बजाओ उसको बस हो गया एक बार और अब यहाँ से हम जा रहे हैं वापस होटल बिकॉज मॉल ऑलमोस्ट हो गया है बंद. पापा को करनी थी थोड़ी शॉपिंग बट अब बंद हो गया है तो कुछ नहीं कर सकते. होटल पहुँच के अभी हमें करनी है यहाँ पे बहुत सी पैकिंग बिकॉज कल सुबह सुबह फ्लाइट है हमारी. सो या चलिए पैकिंग करके उसके बाद आपसे मिलते हैं. क्या 4 बजे का क्या करना है? पापा को छोड़ के उड़ जाएगी ना. कितने बजे उठना है? 4 बजे. फ्लाइट कितने बजे की है अपनी? कितने बजे फ्लाइट है आपकी? अरे तो 8 बजे है तो 8 ही बजे वहाँ पहुँचेगी. नहीं 8 बजे थोड़ी पहुँचना है, वहाँ जाके नाश्ता भी करना है ना अपने. 6 बजे पहुँच जाना है. हाँ तुम्हारा सब काम हो पाएगा. क्या काम होगा? हमें चेकिंग वेकिंग कराएगी. हाँ सब कराएगी उसको. नहीं तो हड़बड़ करते रहे. सही बात है. सिक्स फिफ्टीन और हमने चेक इन भी कर लिया है. अब हम कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ता, पेट पूजा करके उसके बाद फिर जाएंगे मम्मी पापा को छोड़ने के लिए उनके गेट नंबर के पास और उसके बाद मुझे पकड़नी है मेरी खुद की फ्लाइट. सो लेट्स गो. ये एक कप चाय के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है सिर्फ मैं जानती हूँ. पूरे चेन्नई एयरपोर्ट में सुबह सुबह कहीं चाय नहीं मिल रही थी यार. चेन्नई कॉफ़ी की जगह चाय भी रख लिया करो यार. आके नाश्ता कर लिया, चाय पी लिया और अभी भी हम लोग बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं कि बोर्डिंग स्टार्ट होगी और बोर्डिंग को अभी बहुत टाइम है. क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता है? जब भी कहीं बाहर जाना हो घर वाले 1-2 घंटे पहले पहुँचा के बिठा देते हैं. बाय. रुक के बात क्यों करना, जाके चढ़ो. वो आपकी आपकी फ्लाइट खड़ी है सामने. बाय माँ. मम्मी पापा को सी ऑफ करने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपने गेट के पास क्योंकि मुझे भी फ्लाइट बोर्ड करनी है. और लेट्स सी, मैं जब वहाँ पे पहुँची सो ये आप देख सकते हैं कि ये है मेरा गेट और ये है मेरी सीट्स, पूरी खाली हैं, कोई नहीं आया था. बहुत देर तक वेट किया उसके बाद एट लास्ट हम फ्लाइट बोर्ड कर चुके हैं एंड आई एम ऑन द वे टू हैदराबाद. सो गाइज दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट कितने जल्दी पहुँचते हैं.
सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए सायोनारा।